नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ। मैं हूं वर्षा सिंह और अब नजर आज की खास खबर पर। विपक्ष को मंदिर बनाने से किसने रोका? केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर से लेकर पीओ के मुद्दे पर क्या क्या कहा। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी पार्टी पर सोमवार को निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंदिर बनाना एक आस्था का केंद्र है, ना कि राजनीति का। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई और राम मंदिर पर फैसले का विरोध करने के लिए कोर्ट गए। बाकी बातें जानिए इस खबर में। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी पार्टी पर सोमवार को निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर से लेकर कहा कि उन्हें किसने मंदिर बनाने से रोका और ये भी उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना एक आस्था का केंद्र है, ना कि राजनीति का। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष को मंदिर बनाने से हमने तो नहीं रोका, हमने पहले भी कहा है कि अगर वे मंदिर बनाएंगे तो हम सहयोग करेंगे। यह हमारे लिए आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई और राम मंदिर पर फैसले का विरोध करने के लिए कोर्ट गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजनीति की। अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने पीओके वापस लेने की बात कही तो उन्होंने इस बारे में जरूर सोचा होगा।